हाय नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं जो कि मिधानी कंपनी में आई हुई है, मतलब मिश्रा धातु निगम लिमिटेड कंपनी में आई हुई है। तो ये एक मिनी रत्नी कंपनी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत पोस्ट आई हुई है, तो उसको अप्लाई कर लीजिएगा जो भी एलिजिबल है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं डायरेक्ट। तो ये नोटिफिकेशन है, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड कंपनी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, ए मिनी रत्ना कंपनी है। नंबर वन, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है PO कंचन बाग हैदराबाद की जगह का नाम है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और दिस वन इज गिवन रेफरेंस नंबर ISO सर्टिफाइड, इज अ हाई टेक्निकल मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। उसके बाद ये सुपर एलॉयज एंड स्पेशल स्टील टाइटेनियम एलॉयज इन वेरियस मिल्स फॉर्म्स एंड अ शेप ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर कमर्शियल सेक्टर। कंपनी हैज अराउंड 760 एम्प्लॉयज एंड इट्स रिक्वायर्ड आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल इन द फ्लोइंग एरिया। तो देख सकते हैं यहाँ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है एंड नेम ऑफ द पोस्ट, वेजेस ग्रुप, CTC और रिजर्वेशन, ये सारा डिटेल हम बताएंगे और एज लिमिट दिखाएंगे, ठीक है। तो SOT के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट है, उसके बाद पिकलिंग के लिए तीन पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए दो, NDT के लिए 6, MLT के लिए 1, सिविल के लिए 2, वॉकिंग रोलर फर्नेस के लिए है 1, हॉट कोल्ड लेवलर के ऑपरेटर के लिए 1 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 है, जूनियर सेक्रेटरी एंड इंस्पेक्टर के लिए 6 है, जो JOT फीटर कटिंग के लिए 1 है, जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए 6 है, टर्नर के लिए 2 है, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए 3 है, फीटर के लिए 7 है, डीजल मैकेनिक के लिए 1, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए 1, NDT ऑपरेटर के लिए 4, क्रेन ऑपरेटर के लिए 1, लेडल मैन के लिए 1, ऑपरेटर हाइड्रोलिक प्रेस के लिए 1 और चार्जर ऑपरेटर के लिए 1, रिफ्रैक्टरी मेसन के लिए 2 है। तो ये सारा टोटल पोस्ट था। उसके बाद हम आगे बताएंगे वेजेज, इसके लिए 4 वेजेज है, ग्रुप का 4 है और इसके लिए 2 है सेकंड के लिए और थर्ड के लिए है 1, 21, 22 सीरियल नंबर जो है 1 है इसके लिए। इसके लिए CTC जो रहेगी पर एनम अप्रोक्सीमेट इन लाख में रहेगी, 4.7 लाख रहेगी, ठीक है, और पे स्केल 21,900 रहेगी, 3% गेजर रहेंगे, इसका भी 4.3 लाख रहेगी पर एनम, और 22 और 23 सीरियल नंबर के लिए 4.1 लाख पर एनम रहेगी। रिजर्वेशन एज पर द गिवन रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी और इसका एज लिमिट जो है फर्स्ट से लेकर के आपको 11 तक 35 ईयर्स मांगा गया है और 12 से लेकर के 21 तक 30 ईयर्स और 22 और 23 नंबर में जो 30-35 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें दिया गया है कैसिटी सीज रहेगी एज पर बेसिक पे एंड DA HRA पार्क्स एंड अलाउंसेज एज एप्लीकेबल, मतलब ये सारी चीज़ मिलेंगे, PF TF सारे चीज़ बेनिफिट मिलेंगे, सुपरएन्यूएशन बेनिफिट भी मिलेगी। आउट ऑफ पोस्ट फ्रॉम द सीरियल नंबर 11 टू 23 8 पोस्ट रिजर्व फॉर द एक्सरसाइज सर्विस मैन के लिए है, 10 पोस्ट एट द सीरियल नंबर 9, 3 पोस्ट रिजर्व फॉर द पर्सन एंड विथ डिसेबिलिटी विजिबल विथ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप उसके लिए है, जिसके लिए सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए मैकेनिकल के लिए वेजेस 4 के लिए 1 पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्रियल। सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए 3 पोस्ट जो है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए केमिकल में, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन BSc चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स में, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए NDT ऑपरेटर के लिए 6 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में चाहिए, लेवल 1-2 के रहेगी और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए मेट्रोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है, इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के सिविल के लिए 2 पोस्ट है, तो उसके लिए डिप्लोमा सिविल में चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। वॉकिंग रोलर के लिए भी डिप्लोमा चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हॉट कोल्ड के लिए भी, उसके लिए भी 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है, ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, इसमें जो सारा पोस्ट दिया गया है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए,
जूनियर सेक्रेटरी इंस्पेक्टर के लिए 6 पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएट बीए बीकॉम बीएससी चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए भी है पोस्ट के लिए, आईटीआई प्लस में एसएससी चाहिए, 7 ईयर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको और भी सारा चीज़ डिटेल दिया गया है इसमें, उसी तरह से सेम जूनियर ऑपरेटिव के लिए आप लोग डिटेल देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, उसके बाद ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसीलिए 18 में दे सकते हैं। ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए एनडीटी ऑपरेटर के लिए आईटीआई प्लस में एसएससी चाहिए, जिसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद एक क्रेन ऑपरेटर के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और 10th पास चाहिए। उसके बाद लैडर मैन के लिए 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए हाइड्रोलिक के लिए भी सबके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ देखिए क्राइटेरिया जो है, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, क्वालिफिकेशन एसएससी पास विथ मिनिमम 5 ईयर्स सॉरी रिफैक्ट्री के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 15 मार्क्स, एक्सपीरियंस 15 मार्क्स, रिटन टेस्ट 100, रेकॉर्ड 470 मार्क्स, ट्रेड टेस्ट पास फेल दोनों चलेगा, ठीक है। टोटल जो है 100 मार्क्स का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मार्क्स फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर द एवरी एडिशनल रिलीवेंट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स। तो दैट मीन्स आपको जो भी चीज़ आपके पास क्वालिफिकेशन है उसमें से आपको एजुकेशन के लिए मतलब जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा, जो भी एक्सपीरियंस है उसके लिए भी आपको 15 मार्क्स मिलेगा, मतलब 30 मार्क्स ऐसे ही मिल गया। रिटेन मार्क जो होगा 70 नंबर का होगा, उसमें पास हो या फेल हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी मार्क्स। उसके बाद एक्सपीरियंस जो है 10 मार्क्स फॉर मिनिमम एक्सपीरियंस, मतलब 10 मार्क्स मिलेंगे कम से कम एक्सपीरियंस के लिए, मतलब कम से कम 2 साल का मांगा गया है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स फॉर एवरी ईयर एडिशनल, मतलब 2 साल के अलावा जो भी एक्सपीरियंस ईयर बचेगा उसमें 2-2 मार्क्स आपको ऐड होते जाएंगे, मतलब 3 ईयर्स का है तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, अगर 4 ईयर का है तो 14 मार्क्स मिलेंगे, इस तरह से इंक्रीज होते आएंगे। जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको रिटन टेस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद उसके हिसाब से आप लोग चलेंगे। टर्म एंड कंडीशन देख लीजिएगा, जनरल कंडीशन उसको अप्लाई करने के लिए। कट ऑफ डेट जो है 4/9 को, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स सॉरी द कट ऑफ डेट फॉर ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स 4/9/2021 को दी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी 18/9, मतलब 18 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो आप लोग जो भी लोग एलिजिबल है वो लोग अप्लाई कर लीजिए। आगे देखिए दिया हुआ है रिलैक्सेशन, कैसे अप्लाई करना है वो देख सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस जो दिया गया है उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ इंटरेस्टेड कैंडिडेट मिधानी के इस वेबसाइट पर जाइएगा, इस वेबसाइट पर जाने के बाद ई रिक्रूटमेंट करियर सेक्शन में जाके ई रिक्रूटमेंट सेल में जाइएगा, उसके बाद केयरफुल्ली इसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा। हम आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इसका लिंक डायरेक्ट, आप लोग वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग हो गई है 4/7/2021 से लेकर के 18/7/2021 तक रहेगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर लीजिए, भाग ले लीजिए, ठीक है। हार्ड कॉपी सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट कैन टेक प्रिंट आउट सबमिटेड एप्लीकेशन एंड कीप इट फ्यूचर रेफरेंस, नॉट नीड टू सेंड हार्ड कॉपी, ओके। दिस वन इज ऑल्सो ए PSU कंपनी सो दैट, तो आप लोग जितने लोग हैं उसको अप्लाई कीजिए। और इसका फी जो है 100 रुपये रखा गया है, तो बस इतना ही था। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कीजिएगा। इसको देखिए हम अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं, बट हम आपको दे देंगे लिंक, टेंशन नहीं लीजिए। तो बस ये इतना ही था, फिर आप लोगों से मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।